हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ट्रीट। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ करंट अफेयर्स के सेट लेके आई हूँ, जिसमें आपको 15 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। ओके, ये 24 मई 2020 के क्वेश्चंस हैं और हिंदी ऑब्जेक्टिव में हैं। तो पता है कि आप सबको करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ओके, वो चाहे बैंक हो, SSC हो, UPSC हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़, रेलवे ने अगले 10 दिनों में करीब कितने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। तो हमारा ऑप्शन ए है 1200 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, बी 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, सी 3600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन या डी 4600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। ओके, जैसे कि पता है कि अभी प्रवासी भारतीय लॉकडाउन के टाइम पैदल ही अपने घर को निकल पड़े हैं, तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ अपने ट्रेनों को स्टार्ट किया है, जिसमें आपको 2600 ट्रेनें हैं। ऑप्शन बी जो है 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जिसमें जितने भी दिहाड़ी मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको अपने घर तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इनमें इनका जो खाना पीना है वो सब कुछ फ्री रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमेरिका के इक्विटी फॉर्म KKR ने भारत से किस फॉर्म 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। ओके, अमेरिका के इक्विटी फॉर्म में, ठीक है, जो आपको भारत के किसी फॉर्म में 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया। तो पहला ऑप्शन से रिलायंस जियो, दूसरा है भारतीय एयरटेल, तीसरा है टाटा और डी है अशोक लेलैंड। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन आएगा ए, रिलायंस जियो। ओके, इसमें इसकी जो हिस्सेदारी होगी आपको 2.32% की हिस्सेदारी होगी। ठीक है, इसको रिलायंस जियो को 2.32 खरीदने की घोषणा की गई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक डाटा के मुताबिक अप्रैल 2020 में भारत की क्रूड ऑयल की आयात में कितने फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। ओके, तो आपको ये जो है क्रूड ऑयल के लिए जो भी एनालिसिस होती है, ये पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस की वेबसाइट के डाटा के अकॉर्डिंग अप्रैल 2020 में यह गिरावट जून 2019 के बाद क्रूड आयात में 10 महीने में सबसे बड़ी गिरावट है। ठीक है, तो आपको कितने परसेंट की गिरावट हुई है, एक्चुअल में तो ये आपको 12.5% की गिरावट हुई है, यानी कि ऑप्शंस बी है। ठीक है, ऑप्शंस बी, ये 10 महीने में सबसे ज़्यादा बड़ा गिरावट है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सेरेना विलियम्स जो है वो टेनिस खेलती हैं। ठीक है, तो इनको इनकी सबसे ज़्यादा कमाई करती रही, इनको भी पीछे छोड़ दिया है कमाई के मामले में। ठीक है, तो ये जापान की नाओमी ओसाका है, यानी ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे सारूप हुआ, बी वीनस विलियम, सी नाओमी ओसाका एंड डी लेंस वोन। तो हमारा ऑप्शंस क्या होगा, सी। ओके, इनका टोटल आपको इनका जो टोटल है आपको 37.4 मिलियन डॉलर है। ठीक है, इनकी कमाई पिछले साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थशास्त्री आवास झा को किसने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है। यानी जो भारतीय अर्थशास्त्री है आवास झा को किसने अपने जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है। जी बिल्कुल, तो ये ऑप्शन होगा हमारा, ए है यूनेस्को, बी है वर्ल्ड बैंक, सी है केंद्र सरकार और डी है संयुक्त राष्ट्र। तो
तुम्हारा ऑप्शंस को होगा बी विश्व बैंक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसक कर आ गया है, ठीक है। तो वो कौन से स्थान पे आ गया है भारत? तो ऑप्शंस ए है 50वें स्थान पे, बी है 79वें स्थान पे, सी है 132वें स्थान पे, या डी है आपको 192वें स्थान पे। तो हमारा ऑप्शन होगा सी 132वें स्थान पे, ठीक है। तो आपको पता है कि ये इसकी जो स्पीड है सबसे फर्स्ट रैंक पे कौन है? फर्स्ट रैंक पे आपको दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया है। यहाँ की स्पीड पता है वो क्या है? यहाँ की स्पीड है आपको 88.01 Mbps। इस स्पीड में वहाँ पे आपको नेट चलती है, तो ये आपको फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है। और आपको इंडिया जो है वो 132 रैंक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस मंत्रालय ने घातक रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 26 रक्षा वस्तुओं को खरीदारी की खरीद की मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है ए खेल मंत्रालय, बी योजना मंत्रालय, सी रेलवे रेल मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। तो हमारा ऑप्शन होगा डी रक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो आपको पता है कि जो ये है आपको 26 रक्षा वस्तुओं को दी है, तो 127 है टोटल, जिसमें से हमको 26 की मंजूरी दी गई है, ठीक है। ये आपको मेकिंग इंडिया के तहत जारी अधिसूचना के मुताबिक भारत की सशस्त्र सेनाएं आने वाले पाँच वर्षों में आपको 130 अरब डॉलर की हथियारों की खरीदारी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस आयोग ने हाल ही में विदेश में अपने द्वारा बनाए गए फेस मास्क को बेचने की नीति योजना बनाई है, ठीक है। तो कौन सा है ये? तो हमारा ऑप्शंस है, सॉरी यहाँ चला गया, ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी खाद्य ग्रामोद्योग आयोग, एंड डी है निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो हमारा ऑप्शंस क्या होगा? खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है। तो ये कितना हुआ है? खादी सूती और जितने रेशमी मास्क बनेंगे इन सबों की आपको विदेशों में सप्लाई होगी। तो सबसे पहले सूती के आएंगे मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्पर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तत्पर योजना वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू हुई है? तो ये आपको ऑप्शन है राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़ या झारखंड। तो ऑप्शन है हमारा झारखंड, ठीक है। क्या ऑप्शन? झारखंड। इसमें बस ये भी आपको प्रवासी मजदूरों के लिए ये योजना, इसमें बसों से 140 मजदूरों को एक साथ आपको उनके घर वापस छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने छावनी बोर्ड के प्रबंधन हेतु ई गवर्नमेंट फाउंडेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो पहला है हमारा ऑप्शन रक्षा मंत्रालय, दूसरा विदेश मंत्रालय, तीसरा गृह मंत्रालय, चौथा वित्त मंत्रालय। तो हमारा ऑप्शन होगा रक्षा मंत्रालय, ठीक है। और ऑप्शन क्या होगा? रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारेडको के नव नियुक्त महानिदेशक का नाम बताइए। पहला ऑप्शन राजेश गोयल, श्रीकांत सिंह, नरेंद्र सिन्हा या पीके मिश्रा। तो ऑप्शन है हमारा राजेश गोयल। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तमिलनाडु के खिलाड़ी आर सनमुगम का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? ठीक है, आपको अभी निधन हो गया है, ये हमारा आपको जो करंट अफेयर्स है ये खेल जगत से आ गया, ठीक है। तो हमारे ऑप्शंस हैं हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या गोल्फ। तो ये क्या थे? ये फुटबॉल प्लेयर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी एश्ले कपूर का निधन हो गया, वो किस देश का था? आपको अभी एश्ले कपूर का निधन हो गया, ठीक है। तो वो किस देश से थे?
तो आप ये मत देख लीजिए कि यहाँ पे कपूर है तो इंडिया से होंगे, नहीं, ठीक है। पहला बात कि वो टेनिस खिलाड़ी थे, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, ब्रिटेनिया, न्यूजीलैंड। तो आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 83 ईयर्स के थे। कितने ईयर्स के थे? 83 ईयर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने हाल ही में सामान्य वित्तीय विनियमों में संशोधन किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार घरेलू फर्म में से कितने मूल्य वस्तुओं की वस्तुओं की सेवाओं की खरीद करें, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है ए 300 करोड़, बी 100 करोड़, सी 200 करोड़, डी है 400 करोड़। तो हमारा आंसर क्या होगा? 200 करोड़, सी 200 करोड़। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और एक चीज़ है, ये जो जीएफआर यानी कि सामान्य वित्तीय विनियम है, ये 2017 है। जीएफआर आपको 17 का जो इसमें ये इस टाइम बना था उसी नियम के संशोधन में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने भारत की दवा विनियामक नियामक प्रणाली में सुधार की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के विशेष कार्य पर अधिकारी की अध्यक्षता में होगा, वह कौन है, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन है गायत्री मिश्रा, हरिजन, सुधांश पंत, या चौथा डी राजेश भूषण। तो ऑप्शन होगा हमारा डी राजेश भूषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहित बाघेल जिन कहानी में निर्धन हो गया, वह क्या थे? एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, फिल्म निर्माता, अभिनेता, या ज्योतिषी थे? तो ये ज्योतिषी थे। आपको ये मोहित बघेला याद होगा, रेडी फिल्म में जो आपको बच्चे का रोल प्ले किया था, ठीक है। इसमें सलमान खान उनको काफ़ी दौड़ा दौड़ा कर पार्क में ये करते हैं, ये वही थे, ठीक है। काफ़ी कम एज में इनका निर्धन हो गया, ये 26 साल के थे और ड्यू टू कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि ये हमारे क्वेश्चन से आपको 1 से लेके 16 तक 24 मई के, तो आप इसी तरीके से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए और हम आपके लिए हमेशा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है अप टू डेट करेंगे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के थ्रू। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।